हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के चैनल। आज हम एक ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिससे आप आराम के साथ साथ ही उन क्रियाओं को भी कर सकते हैं जो मसल्स हमारे काम में नहीं आते हैं। मतलब डेली हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज योगा करते हैं, बट उन मसल्स का यूज़ नहीं होता है और उनसे बहुत फ़ायदा भी होता है बॉडी को। तो ऐसा ही एक आसन है, आसुक्त बद्धकोण आसन, जिसे आप आराम की स्थिति कर सकते हैं और उस आसन को आप आराम से करते हैं और बस पाँच मिनट आप उस आसन को दीजिए। जैसे लेडीज़ को ये मेंस्ट्रुएशन का इश्यूज़ होता है, मतलब हर महीने, तो आपको उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। वो उसमें बहुत हेल्प करता है, मतलब पेन तो होता है लेकिन उससे आपको मतलब एक हद तक निजात मिल सकती है। या जिनकी लोअर बैक पेन बहुत रहता है तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा। और पेट की उन मसल मतलब फ़ायदा होगा जो मतलब यूज़ में नहीं आती, मतलब जिनकी हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये वो आसन है और बहुत ही इजी सा है। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको इसके लिए कैसे करना है। कोणासन करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटरफ्लाई करते हैं। इससे आपके हल्का सा जो लेग्स है उनमें स्ट्रेच आएगा और आपको दूसरा आसन करने के लिए जो मेन आसन है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं, ज़्यादा अगर आपसे नहीं होता है तो, बट अच्छा रहता है अगर आप 5 मिनट इससे पहले कर लेते हैं। तो एक जैसे प्रिय आसन जिसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको अपने दोनों पंजों को जोड़कर सीधा पीछे लेट जाना है। पीछे मैंने आराम के लिए तकिया रखा है, अगर आप मतलब कोई और मोटा तकिया रख सकते हैं जिससे आपको आराम मिले तो अच्छी बात है, नहीं रखें तो और अच्छी बात है। और एक और तकिया मैंने तौलिया या फिर चादर को आप मोड़ के गोल करके अपने लोअर बैक पेन के नीचे रख सकते हैं, हिप से थोड़ा ऊपर, ताकि इस पर प्रेशर ना आए। और आपको ये जो आसन है इससे आपको एकदम कम्प्लीट आराम मिलेगा। इसमें आपको कम से कम 5 से 7 मिनट पड़े रहना है, मतलब आराम करना है। मतलब आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और धीरे धीरे, जैसे साइड में जैसे जो मेरे घुटने हैं इनके नीचे, फ़िलहाल मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लगाया है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तकिए का यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स रह के आराम से आँखें बंद करके लेट सकते हैं। इसमें 5 से 10 मिनट भी आपको कुछ मतलब बहुत रिलैक्स फील होगा। लोअर बैक पेन में अगर आपका जो पेन होता है वो भी दूर होगा। और इसे रेगुलर करने से जो मेंस्ट्रुएशन में जो इश्यूज होते हैं वो आपके धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, आपको पेन नहीं होगा और भी सारे मतलब काफ़ी मतलब फ़ायदे होते हैं इसके। और जेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये, मतलब बाकी वैसे तो इसे कोई भी कर सकता है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई ये लेडीज़ के लिए, ये जेंट्स के लिए। तो इसमें क्या है कि जिनकी नाभि खिसकी रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनकी बार बार पेट ख़राब रहता है, बहुत जल्दी पेट ख़राब हो जाता है। तो इस आसन को आप डेली कर सकते हैं, आपको सोने से पहले करना है ये आसन, बहुत अच्छा है। 5 मिनट मुश्किल से आप आसन कीजिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। ये जो आसन था ये आप कीजिए, 5 मिनट आपको इस आसन को देने हैं। आप आराम से कर सकते हैं लेटे हुए, साइड में जैसे मैंने बताया आप इसमें तकिया का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो। अगर जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप तकिए हटा सकते हैं और जितना आप अपने मतलब बटरफ्लाई को स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, उतना अच्छा है ये, उतना फ़ायदा देगा। तो मिलते हैं एक नए आसन के साथ, नए कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।